मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम, झुक के प्रणाम। आप देख रहे हैं अपना आयुर्वेद, भारत का आयुर्वेद। मेरे समाज के अंदर मेरी देश की बेटी शर्मिंदा होती हैं। डॉक्टर कैसे करते हैं वो तो उन बेटियों को पता है, परंतु मेरा किसी का अपमान करना मेरा काम नहीं। मैं तो भारत का जो भी व्यक्ति है उनकी बड़ाई ही करता हूँ, परंतु एक बात मैं कहता हूँ, मेरी देश की बेटियाँ हैं उनकी बच्चादानी में रसौली हो जाती है। डॉक्टर के पास एक ही बात होती है, ये बच्चादानी बाहर निकालनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई भी इलाज नहीं। कई बार मेरे देश की बेटी बिलख उठती हैं, मेरे तो बच्चा नहीं है, मैं इस धरती पर आई हूँ, मेरी कोख से कोई बच्चा होना चाहिए। हे देवियों, बिना चीर फाड़ के, बिना हाथ लगाए हुए मेरी देश की बेटी की बच्चादानी में जो रसौली है वो बिल्कुल निकाल देता हूँ, पक्की बात है। परंतु अपना दुख किसके सामने रोऊं, आप बता दो मैं कहाँ जाऊं। मेरी देश की बेटियों को मैं कहता हूँ, बिना तो हाथ लगाए, बिना टच किए हुए और अपने देश की बेटी के ऊपर मैं गर्व करता हूँ, तो उनको बिना टच किए हुए दवाई देता हूँ, बच्चादानी की रसोली क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। जिस देश के अंदर यहाँ पर तरह तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनका हम दिन रात प्रयोग करता हूँ, आज मुझे दुख के साथ करना कहना पड़ता है रसोली के बारे में। अगर मैं जड़ी बूटी का नाम बता देता हूँ, उसका उपयोग बता देता हूँ, लोग मेरी देश की बेटियों की इज्जत लूटेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे, तो उनसे मैं यही कहता हूँ, मेरी देश की बेटी तुम आके मिलो, आके मिलने के बाद इन चीज़ों को प्रयोग करो। मैं बताता हूँ, किसी भी उम्र की औरत हो और कोई भी बीमारी होगी हो, हम उनको इलाज की बात करते हैं और बिल्कुल बिना टच किए हुए चूर्ण होता है उसको उबाल के लेना होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है तो उसके अंदर मिश्री मिलानी होती है। मेरे देश के अंदर ये चीज़ें अच्छी तरह से मिलती हैं। कल की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे पास एक हिमाचल से व्यक्ति आया, मेरे यहाँ आस पास सपरे करने के बावजूद बर्मी होती थी नहीं मिली। मैं उनको कहने लगा, आपके बेटे को तो मैं ठीक कर दूंगा, परंतु बर्मी मिल जाएगी। हिमाचल में वो बेटी ने तपाक से कहा, हमारे पास इतनी बर्मी है, अच्छी तरह से 10 बोरी भरवा लो। तो मैं कहने लगा, आपका बच्चा क्या है, मनोरोगी है, हम इसको ठीक कर देंगे, बर्मी की ज़रूरत थी। अब आता हूँ अपने विषय पर, मेरे देश के अंदर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनको देख करके हम हैरान होते हैं, और मेरी देश की बेटी छोटी बेटी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, उम्र के हिसाब से बेटी कहने
मेरा कर्तव्य है। गर्भाशय के अंदर अगर रसौली होती है उसका इलाज है, 101% है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो आराम से आकर मिलिए। मैं मास्टर ओम प्रकाश वैद्य ज्ञानतारा, ज्ञानतारा स्कूल, ज्ञानतारा कॉलोनी, ज्ञानतारा रोड, जींद, हरियाणा। प्रणाम प्रणाम।